अच्छा, एक सवाल करना है आपसे। एक लड़की से मुझे प्यार हो गया है, उसको मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो क्या गिफ्ट दूँ? लड़की दिखने में कैसी है? बहुत खूबसूरत है। उसको कुछ देना चाहता है? हाँ, मेरा नंबर दे। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? आप कौन? मैं सपना। बाबा कोई तावीज ही दे दो। तावीज ले बच्चा, ये ले तावीज। हाँ बाबा। घोल के अपनी कजन को पिला दे। अच्छा, बच्चा आएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो फिर 10 मिनट के बाद बाबा खुद आएगा। मोहब्बत करो तो एक से करो, हजारों में क्या रखा है। सैर करो तो जंगल की करो, बाजारों में क्या रखा है। कत्ल करो तो नैनों से करो, तलवारों में क्या रखा है। ये टोपी आपने कहाँ से ली? फ्रांस से? नहीं नहीं, स्विट्जरलैंड से। मैं वहाँ अक्सर जाते रहता हूँ, मुझे वहाँ की शाम बहुत पसंद है। नहीं नहीं, टोपी भी बहुत अच्छी लग रही है, आप पे बहुत सूट हो रही है। साला ऐसे लग रहा है जैसे बंदर के सर पे। हेलो म्युनिसिपैलिटी, एक ट्रक भर के औरत इधर बैठी हुई है, उसको उठाना है, 5 ट्रक लगेंगे। आगे हाथी बांध लेना, कोई बात नहीं। बॉयफ्रेंड बनेगा मेरा? हे बावली, फेसबुक पे ब्रांड नहीं बनू तेरा, अनबोले बॉयफ्रेंड बनेगा। तुझे पता है मेरी एक एक सास पे कई लड़के मरते हैं। अवेली सुबह सुबह ब्रश करा कर, कई लोग मुंह की बदबू से भी मर जाते। क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं नहीं क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। करके दिखाइए, मैदान में आइए, यही बताइए, बैठ जाइए। मैडम जी याई रे जोर से सुसु आई रे। Loco, tu mujer una perra, una diabla. Mira cómo me ladra y me dice Loco, tu mujer una perra. Loco, 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 loco. Loco, tu mujer una perra. Oye, Bebkup, chal tera English ka test lete. Bata, khubsurat ladki ko English mein kya kehte? Khubsurat ladki ko English mein kehte hai I love you. बेबी आज प्रॉमिस डे है, मेरे लिए सिगरेट पीना छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा। दारू पीना भी छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा। वो जिम वाली लड़की श्वेता से बात करना? छोड़ दूंगा। म्यूजिकल ही बनाना? बेबी मुंह तोड़ दूंगा। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? आप कौन? मैं सपना। मैं हकीकत। ऐसी कविता सुनाओ जिससे तन बदन में आग लग जाए। ठीक है सर, सुनाते हैं। मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे, मास्टर जी की 3 बेटियां, मैं मरता सबसे छोटी पे। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे।